नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। बड़ी बहस के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी बहस की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और ये बड़ी खबर ऑपरेशन मधुशाला का असर दिखा है। देरी से इस वक्त की बड़ी खबर, रात 11 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद रहीं। आवाज लगाने पर भी शराब नहीं मिली। खरीदारों ने आवाज लगाकर शराब भी मांगी, लेकिन ऑपरेशन मधुशाला का खौफ कह लीजिए, ठेके पर तैनात कारिंदों ने शराब नहीं दी। आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज की टीम लगातार कई जगहों का दौरा कर रही है ऑपरेशन मधुशाला के तहत, और जहां पर देर रात तक खुले रहने वाले ठेकों के खिलाफ हम लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। भारत भूषण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारत, ऑपरेशन मधुशाला का असर यहाँ पर दिखा है, कम से कम अब थोड़ा खौफ है इन कारिंदों में, इन लोगों में जो कि धड़ल्ले से गैर कानूनी तरीके से रात 11 बजे के बाद भी, 12 बजे के बाद भी अपनी दुकानें खुली रखते थे। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 11 बजे के बाद ठेके का शटर तो डाउन था, और आप देख रहे हो हमारी तस्वीरों में कि शराब लेने खरीदने वाले भी कार में आए हैं, परंतु ठेकेदार की कारिंदे ने अंदर से उनकी आवाज को अनसुनी कर दिया। जबकि 11 बजे तक ठेके बंद होते हैं और ये 11:50 पर शराब खरीदने के लिए आए हैं, और सीधा दिख रहा है कि हरियाणा न्यूज की खबर का असर है। और चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए, बड़ी बहस में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की दम तोड़ती तस्वीरें देश के हर कोने से सामने आती रही हैं। हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं है। हरियाणा न्यूज ने कई बार स्वच्छ भारत अभियान की खोखली तस्वीरें आपके सामने पेश की हैं, बावजूद इसके अभियान की सफलता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत अहम सवाल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो एक ऐसे देश की तस्वीर मन में थी जो लगातार लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की तरफ प्रेरित करती, लेकिन आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। क्या है पूरी तस्वीर, पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर करेंगे विस्तार से चर्चा। ये तस्वीरें काफी हैं पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की दुर्दशा बयां करने के लिए। जी हां, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें हैं पानीपत के लघु सचिवालय के शौचालयों की। यहां लगभग सभी सरकारी दफ्तर मौजूद हैं और इन दफ्तरों में डीसी, एसपी, एडीसी समेत तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं। भले ही अधिकारियों के दफ्तर सभी सुविधाओं से लैस हों, लेकिन एक नज़र यहाँ के शौचालयों पर डाली जाए तो ये किसी कूड़ेदान से कम नहीं लगते। हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने सचिवालय की पांचों मंजिल पर सभी टॉयलेट की खुद पड़ताल की, जहाँ की अव्यवस्था चीख चीख कर हालात बयां कर रही थी। आते जाते हैं और सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मनमर्जी को इस कदर हैवी कर लिया है कि जो वो चाहते हुए भी आप देख सकते हैं, अगर कोई महिला या बच्चे अगर आए तो उनको ये लोग मिलेगा, वो कहां पे जाए। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वच्छ अभियान को जारी रखें, लेकिन महिलाओं का रोष है कि वो अगर उनको बाथरूम भी करना पड़ता है तो वो किस टॉयलेट में जाए। एक तरफ जेंट्स टॉयलेट है, उसकी हालत इतनी बुरी है कि आप उसमें घुस नहीं सकते। दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ, और इस पूरी बिल्डिंग का हाल यही है, जहां जहां पर आप जाएंगे लेडीज टॉयलेट को अपने
ताले लगे मिलेंगे। हालात चौंकाने वाले थे। महिला टॉयलेट पर ताले लटके हुए थे और जैस टॉयलेट भी काफी गंदे थे। दुर्गंध ऐसी कि इनके अंदर जाना तो दूर, नजदीक भी खड़ा होना मुश्किल था। ये भी खुलासा हुआ कि यहाँ सभी सरकारी अधिकारियों ने अपने अपने शौचालयों की अपनी अपनी चाबियां बनवा रखी हैं, जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है हमें। पांचों के पांचों बिल्डिंग में सब लेडीज टॉयलेट पे ताला लगा रखा है। सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अगर जिसने जाना है तो वो अपनी चाबी से अपने आप लॉक खोल के जा रहे हैं और हमारी कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमें। वो हमारे रुकावट आ रही है। बाथरूम जाने में भी दिक्कत। यहाँ पे जो पांच बिल्डिंग है उन पे सभी लेडीज टॉयलेट पर ताले लगाए गए हैं। यह पर अपनी मनमानी हो रही है कि जब हम जाए कहाँ। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि खुले में शौच ना जाए, लेकिन सरकार खुद मजबूर कर रही है कि खुले में शौच जाने के लिए। अब इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर प्रदेश के लघु सचिवालय का ये हाल है तो बाकी क्षेत्रों में क्या हाल होगा। ऐसे में ये बात भी गौर करने वाली है कि अगर सरकारी दफ्तरों में ही स्वच्छता को दरकिनार किया जाए तो कहीं पीएम मोदी का स्वच्छ भारत अभियान का सपना सपना ही न बनकर रह जाए। पानीपत से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, विस्तार से बताएं, जो तस्वीरें आपने वहां पर देखी और महिलाएं भी काफी खफा नजर आ रही हैं, जो तस्वीरें आपने वहां पर देखी हैं, क्योंकि तमाम टॉयलेट्स हैं लेकिन सब लोग अपनी अपनी चाबी लगाकर जाते हैं, ऐसे में वाकई महिलाओं के लिए काफी मुश्किल। और स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रही तस्वीरें जी, मैं आपको बता दूं, ये लघु सचिवालय की बिल्डिंग है जिसमें 5 फ्लोर है और हमने जो है एक एक टॉयलेट को बड़ी बारीकी से जांच की। हम एक एक टॉयलेट के सारी चीजें देखी हैं वहाँ पे, जो हमने असुविधाएं देखी हैं, इस तरीके की गंदगी के जो अधिकारी लोग ये बोलते थे कि हम लोग ये बाहर गाँव के अंदर शहरों के अंदर हमने टॉयलेट बनवाया, हम काम कर रहे हैं। हमने बिल्कुल उनकी पोल खोली है कि आप लोग सामने सामने बैठे हैं और सामने सामने टॉयलेट जो है उनमें से गंदगी आ रही है, आप भी घुस नहीं सकता। और जहाँ तक लेडीज टॉयलेट की बात करें तो वहाँ पर ताले लटके हुए हैं। कोई माता बहन अगर जाती है तो वो बार बार घूमती है कि उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और सभी अधिकारियों ने एक ऐसा रवैया बना रखा है कि वो अपनी मनमानी करते हैं, उन्होंने अपनी अपनी चाबियां बनाई हुई हैं। और हमने कोई पूरी बिल्डिंग में कोई ऐसा टॉयलेट नहीं था जिसमें हमने झांक के देखा नहीं हो, जिसको हमने दिखाया ना हो। जितेंद्र, आपकी यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद थे या जो अधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई क्या? देखिए, अधिकारी लोग जो है, पूरी बिल्डिंग जो है सभी अधिकारी लोग हैं, जिसमें डीडीपी भी है, डीपीओ भी है, डीसी भी है, एसपी भी बैठते हैं। कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। वहाँ के वर्कर जो है वो हमारे सामने आए, बोले जी देखिए हमें पता है लेकिन हम इसमें बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके बड़े अधिकारी उनके ऊपर बैठे हुए हैं। तो इस मामले में बाइक देने तक, हमारे सामने आने तक उन्होंने हिम्मत नहीं की। जी चले जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता परमजीत कटारिया इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है परमजीत जी। सबसे पहले सवाल यही कि एक विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी और ये उम्मीद की थी कि आम जनता जो है इस चीज को फॉलो करे, लेकिन हैरानी तब होती है जब जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग और तमाम सरकारी विभाग इसकी अनदेखी करते हैं, तो हम आम जनता से क्या उम्मीद करेंगे? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, स्वच्छता अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, उनकी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 पर लागू किया था। स्वच्छता अभियान को आज कई साल बीत चुके हैं। प्रदेश सरकार हर जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाती है कि यहाँ पे हम ये कार्य करेंगे, यहाँ पे ये स्वच्छता करेंगे। एक पूरी चेन के साथ मैं आपको बताऊं, अगर जिस तरीके से अधिकारियों ने मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर अपने टॉयलेट्स के ऊपर ताले लगा रखे हैं तो महिलाएं उन टॉयलेट्स में जा नहीं सकती, वो खुले में शौच करेंगी, वो खुले का इस्तेमाल करेंगी। वहां पे कुछ शरारती तत्वों की फिर वहां पर हिम्मत पड़ेगी, वहां से महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उस चीज से प्रभावित होता है। इस पर अधिकारी को नजर देनी चाहिए, सरकार को भी इस ऊपर नजर देनी चाहिए। करोड़ों रुपए का बजट ये लोग बनाते हैं पर वो पैसा कहां जाता कोई बताने वाला हो तो। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल की बात है, मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर, गुड़गांव के अंदर डीसी हॉल के अंदर कोई मीटिंग चल रही थी, केंद्र से कोई अधिकारी आए हुए थे आयोग के, तो वो मैडम जैसे ही वॉशरूम यूज करने लगी तो उस वॉशरूम, कॉमन बाथरूम है वो, जैसे ही उस बाथरूम के अंदर उन्होंने एक पैर अपना रखा, वहां से एक जेंट्स वहां से निकल के आ रहा।
तो आप एक चीज सोचिए कि इन्होंने अपने डीसी हॉल के अंदर भी ऐसे अगर इन्होंने कर रखा है तो हम एक नीचे लेवल की क्या बात करें। तो फिर वहां पे और इतनी स्मेल मारती है, आप खुद ही एक बार चेक करके देख लीजिए, कहीं का सेक्रेटरिएट का हो, कहीं का सरकारी हो, कहीं पे रोडों पे जो शौचालय बना रखे हैं, पब्लिक शौचालय बना रखे हैं, ये शौचालय इन्होंने ताले लगे हुए हैं शौचालयों पे भी। और तमाम पोल ये तस्वीरें खोल रही हैं। परमजीत क्या लगता है आपको, क्योंकि फोटो खिंचवाने में तमाम मंत्री नेता और झाड़ू लगाने के लिए ये लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए आगे रहते हैं, लेकिन वास्तविक जो परिस्थितियां उसको बदलने के लिए कोई आगे नहीं आता। देखिए बात ऐसी है, ये लोग क्या करते हैं कि हमने अभियान चलाया जी, एक अभियान को संपूर्ण रूप से सक्सेस बनाने के लिए विपक्ष को भी अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, चाहे वो सरकार में है नहीं है, सरकार तो निभाती निभाती है, विपक्ष को भी इसके अंदर भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि एक अभियान जो है ये पूरे देश के लिए अभियान है, ये किसी जिले के लिए, किसी ब्लॉक के लिए, किसी स्टेट के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए एक ऐसा अभियान है, इसमें सभी को आगे आना चाहिए, सभी को अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। इसमें क्या करते हैं, कोई पार्षद है, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक, वो उसने झाड़ू पकड़ के उसने 5 मिनट चला लिया, वो उनका स्वच्छता अभियान हो गया, एक गली को साफ कर लिया, आधी गली साफ कर ली, 100 मीटर साफ कर लिया, वो स्वच्छता अभियान नहीं होता। मन से अपने उस चीज को आप मानिए कि हमने स्वच्छता अपने प्रदेश के अंदर, अपने जिले के अंदर हमने सक्सेस बनाना है, तो ही आप उस चीज को संपूर्ण रूप से सक्सेस कर सकोगे। बिल्कुल, और ये जवाबदेही कब आएगी और ये अंदर की आवाज कब जागेगी कोई नहीं जानता। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। राय की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी है, पिहोवा से इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक सवार बुरी तरह घायल हुआ। गांव मुर्तजापुर के पास की पूरी घटना। कार में सवार थी रतिया के विधायक रविंद्र की पत्नी, घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। से बड़ी खबर, जहां विधायक की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी है, कार में सवार थी रतिया के विधायक रविंद्र की पत्नी, घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार चूंकि बुरी तरह घायल है, इसलिए उसे अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। स्वच्छता की गंदी तस्वीरें सरकारी जगहों पर जब नजर आती हैं तो सवाल और ज्यादा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है वो तमाम विभाग, तमाम दफ्तर, वो सचिवालय जिनके कंधों पर यह अहम जिम्मेदारी है, अगर वो इस मामले में उदाहरण देने में पीछे रह जाएं तो हम आम जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं। चर्चा हम लगातार जारी रख रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता परमजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। परमजीत, आपने कहा कि एक 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 शक्ति खुद के अंदर से ये आनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये जो एक मिशन लेकर प्रधानमंत्री चले थे, उस मिशन पर हम उनके विजन तक 2020 तक भी पहुंच पाएंगे, या फिर हम तब तक इसी बात का इंतजार करते रहेंगे? देखिए वो जब होगा जब हम एक चीज ठानेंगे कि हमने स्वच्छता अभियान अपने भारत के अंदर सक्सेस करना है, उसको हमने पूर्ण रूप से कामयाबी दिलानी है। एक हर अधिकारी, चाहे वो अपने ग्रेड 4 का एक मान लो कर्मचारी है, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन का कर्मचारी, सबको एक लेके एक ठाननी चाहिए कि हमने हरियाणा प्रदेश को, भारत हमारे देश को स्वच्छता अभियान में सक्सेस दिलाना पड़ेगा। अपने एक सोचनी पड़ेगी, दिमाग से इस चीज को हमने सोचना पड़ेगा कि कोई कूड़ा है उसको हमने नहीं डालना। आज आप देखोगे एक फोर्थ क्लास का बच्चा भी, एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी ये कहता है, अगर आपके जेब में कोई रैपर है, अगर आप टॉफी को चॉकलेट खाते हैं तो वो भी कहता है उसको वहां मत फेंको, उसको डस्टबिन में फेंक देना, अपनी पॉकेट में रखेगा वो बच्चा। जब वो बच्चा उस चीज को देख रहा है तो एक हम सबको भी इस चीज को देखना चाहिए कि स्वच्छता अभियान को हम सबने सक्सेस बनाना पड़ेगा। इधर उधर हमने सबने देखना पड़ेगा, कूड़ा कचरा नहीं डालना पड़ेगा। सरकार इस चीज में कोऑपरेट कर रही है, सरकार को और लोगों से उम्मीद रखनी पड़ेगी इसके लिए के सेमिनार्स का आयोजन करना पड़ेगा, लोगों को एक दिमागी तौर पर उस चीज की तरफ
पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ बनाना पड़ेगा कि हमने इस चीज को सक्सेस बनाना है। ये प्रदेश, ये देश हमारा है, बाहर से कोई नहीं आएगा इसको साफ का सुथरा करने के लिए। आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाइए, बहुत साफ सुथरी कंट्रीज हैं, वहां पर कोई नहीं डालता, फाइन भी उस चीज का होता है। परंतु जब यहाँ पे स्वच्छता अभियान का केंद्र सरकार इस चीज को, एक अभी चला था कि स्मार्ट सिटी के लिए हम चेक करेंगे, उसका सर्वे करवाएंगे, जिस टाइम वो सर्वे की वो आती है, टीम आती है, उस टाइम ये लोग करवाते हैं सर्वे, उस टाइम ये लोग सस्ता बयान कर देते हैं, कर्मचारी बढ़ा देते हैं। हमारे साथ एसडीएम पानीपत विवेक चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसडीएम साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी। राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे से, 2014 से ये रनिंग है और उम्मीद यही की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे जो लोग हैं वो सबसे पहले एक उदाहरण प्रस्तुत करें। लेकिन आप मिनी सचिवालय की बात कर लें, तमाम सरकारी दफ्तरों की बात कर लें, यहाँ पर हमारी टीम पहुंची और उन्होंने साफ तौर पर देखा कि जो भी शौचालय हैं उनकी चाबियां तमाम दफ्तरों में लोग अपने अपने पास रखकर घर चले जाते हैं, वहां पर मौजूद जो महिला कर्मचारी हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और चाबियां रखने के बावजूद उनकी स्वच्छता का आलम यह है कि आप वहां खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या माने कि क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके के कुछ एक इंसिडेंट तो हो सकते हैं लेकिन ऐसा लार्जर पिक्चर में नहीं है। ये जो है, ये हमारे ऑफिस में जो शौचालय वगैरह होते हैं ये सार्वजनिक हैं, आम पब्लिक के लिए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इनकी चाबी वगैरह कोई और ले जाए इनको बंद करके। एक आध बार कभी कुछ इस तरीके का अगर इंसिडेंट हुआ है तो उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, कुछ आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी टीम वहां पर मौजूद थी, वहां पर जितनी महिला कर्मचारी हैं उन्होंने शिकायत की है और इस शिकायत के बाद हमारी टीम ने दौरा किया है, उन कर्मचारियों की शिकायत एक लंबे समय से बनी हुई है। आप इस चीज को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते कि ये इक्का दुक्का मामले है या ये कभी कभार हो जाता है, ये हर रोज हो रहा है। नहीं देखिए, ये अवॉइड करने वाली तो कोई बात नहीं है, ये चीज हमारे वहाँ रहते हुए हमारे तो नोटिस में कभी आई नहीं। अब आई है, अब संज्ञान में आया है आपके मामला, उसके बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं कि एक का दुका मामले हैं, आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे वरिष्ठ लोग जो हैं वो उसको संज्ञान में लेंगे। जी जी जरूर, अगर इस तरीके की बात कुछ आप के नोटिस में आई और आपके द्वारा जो हमें पता चला इस चीज को जरूर देखेंगे। बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी है इस तरीके की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे रूप से इसका ठेका दिया गया है और हमारा जो है सचिवालय में जो भी ये बंदोबस्त है बहुत साफ सुथरा और बहुत बढ़िया रहता है। इनफैक्ट ये जो है पीछे इसके लिए हमें जो है कुछ एकोलेट्स भी मिले थे, हमें तारीफें भी इस चीज की हुई थी, पीछे सीएम साहब की भी विजिट हुई थी, उसमें भी उन्होंने जो है ये चीज नोटिस करी थी। चलिए, जो भी कमियां हैं उम्मीद करते हैं कि आपकी आपकी नजरें इनायत उस तरफ होगी बजाय की जो चकाचौंध है उसको छोड़ते हुए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए विवेक चौधरी साहब। हमारे साथ राजीव मेहता एडीसी पानीपत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी नमस्कार, आवाज मिल रही है क्या? राजीव जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क जो है हमारा टूट गया है। लेकिन सवाल यही है, आपने देखा किस तरीके से एसडीएम साहब इस बात को मानने से ही इनकार कर रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं क्या वो झूठ तस्वीरें हैं? क्या हमारे संवाददाता जहां मौके पर गए उन्होंने तमाम चीजों को देखा और जो महिला कर्मचारी वहां पर तैनात हैं जो शिकायत कर रही हैं, तमाम महिलाएं शिकायत कर रही हैं, क्या वो झूठी शिकायतें हैं? ऐसा नहीं है। तमाम आडंबरों से आपको बाहर आना होगा, तमाम सच्चाइयों से आपको रूबरू होना होगा क्योंकि आप एक अभियान की सफलता तब तक नहीं मान सकते जब तक उसमें 1% की भी गुंजाइश बाकी हो। यानी इन तमाम जगहों पर लूपहोल्स बहुत सारे हैं। परमजीत, लूपहोल्स क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, इसके अंदर सबको एक चीज से एक ना ठानना पड़ेगा कि स्वच्छता अभियान, देखो कोई इस पर राजनीति करता है, राजनीति मत करो इस चीज को। विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा, मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से सक्सेस करने के लिए इसको अपने अपने पूरी जान लगा रखी है इस चीज को, अधिकारी भी कर रहे हैं। परंतु क्या होता है, कई कई अधिकारी इसको कोऑपरेट नहीं कर रहे, कई नेता कोऑपरेट नहीं कर रहे, अब विपक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो सब अगर ठान के इस चीज को करेंगे तो सक्सेस मिलेगा इस चीज के अंदर। तो हम इस चीज को ठानना चाहिए, एक छोटे से लेकर छोटा बच्चा भी इस चीज को करेगा और हमारा विपक्ष भी इसके साथ करेगा, सामाजिक संस्थाएं भी इसके साथ आएंगी, हर व्यक्ति अगर इसके साथ आए तो ये देश स्वच्छ बन सकता है। अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्वच्छता अभियान हम सबके लिए जरूरी है। जब व्यक्ति स्वच्छ ही नहीं रहेगा तो स्वस्थ कहां से रहेगा? मेरे को आप एक बात बता दीजिए। बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया परमजीत इस खास चर्चा में अपना समय देने के लिए। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि ये शुरुआत हम खुद से करें, और अगर आपने ये शुरुआत कर ली है और अगर आपके सामने भी लगता है कि कोई इस शुरुआत को शुरू करने से कतरा रहा है तो यकीनन उसको प्रोत्साहित कीजिए, और कहीं अगर आपको बड़ी शिकायत मिलती है तो उसकी शिकायत भी कीजिए, क्योंकि ये एक सपना नहीं, एक विजन है जो पूरे देश पर निर्भर करता है और पूरे देश की छवि इस पर निर्भर करती है। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।